वेलकम बैक एवरीबॉडी। सो स्टूडेंट्स, हमने कल बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर किया था 11, जिसमें मैंने आपको इसके जो बेसिक्स टूल्स एंड आइडिया के बारे में अवेयर करवाया था। और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 हमने फिनिश कर लिया कल, तो काफ़ी अच्छा आपका रिस्पांस था। और ये हमारा यूनिट नंबर 9 का फर्स्ट चैप्टर कल कम्प्लीट हो गया था। तो अब यूनिट नंबर 9 में चैप्टर एक और है, 12, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब बायोटेक्नोलॉजी के क्या फ़ायदे हैं उसको हम यहाँ डिटेल में करेंगे। तो ये ब्रीफ सा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, जल्दी फिनिश हो जाएगा, बट काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। और इसको मैंने डीप में वीडियो ऑलरेडी डाले हुए हैं। ये सिर्फ एनसीईआरटी का कंक्लूज़न है आपके लिए, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रेपरेशन भी हो सके। तो चलिए अभी हम यहाँ स्टार्ट करते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा फोकस वीडियो नज़र आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पूरा डिटेल में समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो हमने कल बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स एंड प्रिंसिपल्स समझे थे। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है हमने पढ़ लिया है, डील विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ द बायो फार्मास्यूटिकल, यानी जो मेडिसन्स हैं, बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाई माइक्रोब, जिसको हमने चेंज किया, जिन माइक्रोब में हमने आर्टिफिशियल डीएनए ऐड किया, दे आर मॉडिफाइड, फंगस, प्लांट एंड एनिमल, इवन हमने एनिमल भी मॉडिफाई कर दिए हैं, प्लांट भी। द एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड द थेरेपेटिक्स, थेरेपेटिक्स होता है जो थेरेपी में, जो हम मेडिसिनल वे में यूज़ करते हैं उसको कहते हैं थेरेपेटिक, जो बीमारियों के इलाज में जिसको हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ रिसर्च हुई है। तो डायग्नोस्टिक करना, बीमारी को पहचानना, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप एंड एग्रीकल्चर, प्रोसेस फूड, बायो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन होता है पोल्यूशन को कंट्रोल करना या केमिकल को ख़त्म करना विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब, वेस्ट मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ये सारे जो हैं इसके एडवांटेजेस हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है, प्रोवाइडिंग द वेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजिंग माइक्रो और प्योर एंजाइम, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर द कैटलिस्ट टू एक्ट एंड डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग टू प्योरीफाई विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमने सारा पढ़ लिया है। अब हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल इन एग्रीकल्चर, अब हम इसके फ़ायदे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका जो फ़ायदा हम एग्रीकल्चर में देखेंगे, द एग्रोकेमिकल वेस्ट एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के ऊपर केमिकल यूज़ होते हैं उसको कहते हैं एग्रोकेमिकल, जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह है, उसके ऊपर भी बायोटेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट दिए हैं। तो सबसे पहले उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप एग्रीकल्चर, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है। तो जो एग्रीकल्चर थी फ्रेंड, उसमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो उससे इंडिया में जो फूड की स्कार्सिटी थी, जो भूखमरी की समस्या थी, वो काफ़ी ज़्यादा इससे सॉल्व हुई थी। तो सक्सीड हुआ इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, बट जेट इट वॉज नॉट एनफ टू फीड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, बट फिर भी काफ़ी पॉपुलेशन थी जो कि भूख से मर रही थी ग्रीन एवोल्यूशन के बावजूद भी, क्योंकि बहुत ही हमारी ज़्यादातर जो जनसंख्या है दे आर पुअर, तो पुअर से भी बिलो है, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। तो उसके लिए एक काफ़ी सच के बाद जो बायोटेक्नोलॉजी एक वरदान साबित हुई है, क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं लार्ज स्केल के बनते हैं और चीप बनते हैं। सो जैसे फार्मर हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल आर ऑफन एक्सपेंसिव हैं, बाहर से खादें आती हैं, यूरिया आता है, स्प्रे आती, काफ़ी ख़तरनाक हैं और ये महंगी हैं। फर्दर इंक्रीज इन जील्ड एग्जिस्टिंग वराइटी नॉट पॉसिबल, जो पुरानी वराइटी है उसके ऊपर जील्ड को इतना अफेक्ट नहीं पड़ता, फिर न्यू वराइटी लेनी पड़ती है। फर्दर इंक्रीज इन जील्ड विद एग्जिस्टिंग वराइटी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अल्टरनेटिव पाथ यूज़ करना ज़रूरी है। सो बायोटेक्नोलॉजी ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। तो यहाँ पे जो मेन बात कर रहा है, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस, एनिमल जो है जिनका जीन मॉडिफाई किया हुआ है, जिनका जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई कर दिया मैन्युपुलेट करके, कुछ ऐड करके, उसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जीएमओ। तो इसमें क्या है, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, इससे जो प्लांट हैं वो स्ट्रेस में काफ़ी सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे कोल्ड में, ड्राउट में, साल्ट में, हीट में।
रिड्यूस द रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड की जो रेजिलेंस है, उसकी जो परसिस्टेंस है, उसको ख़त्म किया है। हेल्प इट टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, जो फसल को काटने के बाद जो लॉस होता है, कीड़ा लग जाता है, ख़राब हो जाती है, उससे जो लॉस होता है जील्ड को, वो कम हुआ है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द मिनरल यूजेस बाय प्लांट, प्लांट में मिनरल का यूज़ जो है इंक्रीज़ हुआ है, एफिशिएंसी बढ़ी है। एंड इन्हांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, विटामिन ए इन रिच जो राइस है उसकी वैल्यू बढ़ी है। सो इन एडिशन टू, इसके अलावा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, क्रिएट ए टेलर बेस्ड प्लांट सप्लाई टू अल्टरनेटिव सोर्स टू इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फ्यूल एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो इसने एक अल्टरनेटिव, एक रॉ मटेरियल का भी काम किया है, जो कि इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा आगे ग्रो कर रहा है। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में अगर बात करेंगे, यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, बट मेन जहाँ पे बीटी कॉटन के ऊपर बात कर रहा है, बीटी है बैसिलस थ्रेनजेनेसिस बैक्टीरिया है, और इसके जो जीन है काफ़ी यूजफुल हैं। तो इसके जीन लिए हैं, प्लांट में एक्सप्रेस करवाए हैं, तो इंसेक्ट के ऊपर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। तो इन इफेक्ट क्रिएटेड बायोपेस्टिसाइड भी काम करता है। तो बीटी कॉटन वैरायटी है कॉटन की, इसके ऊपर पिंक बॉल बॉम कीड़ा नहीं लगेगा, और कीड़े से बचने के लिए अब इसके ऊपर कोई स्प्रे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये यहाँ इसका एक फ़ायदा हो गया बीटी कॉटन का यूज़ करने का, जो नॉर्मल देसी वैरायटी है उसको कीड़ा लग जाता है। सो यहाँ पे जो बीटी कॉटन है, बैसिलस थ्रेनजेनेसिस की स्ट्रेन है, वो प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं जो कि इंसेक्ट को किल कर देता है, जैसे लैपिडोप्टरा ऑर्डर के आते हैं, जैसे बड बॉम, आर्मी बॉम है, कॉलीप्टरा के बीटल हैं, डाइप्टरा के फ्लाई एंड मॉस्किटो, इनके ऊपर असर करता है। जो ये प्रोटीन क्रिस करता है, इसको क्रिस्टल प्रोटीन कहते हैं। कौन सी प्रोटीन बनाता है ये? क्रिस्टल प्रोटीन, यूजिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ। सो क्रिस्टल प्रोटीन में इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है, जो इंसेक्ट को ख़त्म करती है। सो वाई डज द टॉक्सिन डू नॉट किल द बैसिलस, उसको क्यों नहीं ख़त्म करता? क्योंकि बीटी कॉटन जो है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, डेट इज़ द प्रोटोटॉक्सिन जो कि बैक्टीरिया के अंदर रहता है। बट जब अल्कलाइन पीएच होती है, गट जो इंसेक्ट की उसके अंदर ये अल्कलाइन पीएच इसको एक्टिव करा देती है, इसके जो इनएक्टिव कंपोनेंट है वो डिजॉल्व हो जाते हैं। फिर जो एक्टिव टॉक्सिन होता है वो मिड गट की एपिथिलियम से बाइंड हो जाता है, तो उससे उसमें पोर क्रिएट कर देगा, तो उससे उसका लाइसिस हो जाता है। तो ये इसका यहाँ एडवांटेज है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि बीटी टॉक्सिन जो है, बीटी जो बैक्टीरिया है उसको क्यों नहीं ख़त्म करता, तो आपने यहाँ इसका आंसर ढूंढ लिया है। सो द स्पेसिफिक बीटी कॉटन जो है जनरेट जीन जो है आर आइसोलेटेड इससे किए गए हैं बैसिलस थ्रेनजेनेसिस से, और इनको इनकॉर्पोरेट किया गया है सेवरल क्रॉप में, काफ़ी क्रॉप में किया गया, जैसे कॉटन है। चॉइस ऑफ द जीन डिपेंड ऑन द क्रॉप, जो आपकी क्रॉप है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सा जीन डालना है। एंड टारगेट पेस्ट, ऑफ पेस्ट कौन सा है, जैसे जो बीटी टॉक्सिन है वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है, कुछ ग्रुप के इंसेक्ट के ऊपर काम करता है, जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल ली है कॉलीप्टरा लैपिडोप्टरा के ऊपर काम करता है। टॉक्सिन जो है उसमें जीन होते हैं जो जिसका नाम है क्राई जीन, जो बेसिकली जीन होते हैं जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें जो जीन है क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी, जो कॉटन पिंक बॉलम के ऊपर काम करते हैं, तो क्राई वन ए बी जो है जो कॉर्न बोरर को काम करते हैं। तो ये स्पेसिफिक है, अगर आपने कॉर्न बोरर के लिए काम करने तो क्राई वन ए बी काम करेगा, वह क्राई वन ए सी या क्राई टू ए बी काम नहीं करेगा। तो यहाँ स्पेसिफिसिटी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा ये फंडा। और आगे यहाँ पे बता रहा है पेस्ट रेजिस्टेंस टू प्लांट। तो सेबरल जो निमेटोड हैं, यहाँ वैरायटी देख सकते हो, जो ए में डिस्ट्रॉयड हो गया था इससे, तो बी में फुली मेच्योर्ड है, ये डिस्ट्रॉयड हुआ है, लिंट फॉर्मेशन नहीं हुई, ये फुली फॉर्म्ड वैरायटी है जो कि बीटी कॉटन की है, जो से हमने पिंक बॉलबॉम से इसको बचा लिया। तो अब आगे बात कर रहा है पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। सेबरल जो निमेटोड हैं, जो राउंड बॉम है, तो काफ़ी ज़्यादा प्लांट एंड एनिमल को अफेक्ट करते हैं, ह्यूमन को भी करते हैं, जैसे हमारे अंदर एस्कैरिस चला जाता है। तो एक नेमेटोड है मेलेगियो डिगाइनी इनकोगिनिटिया, ये मैंने नोट्स में बताया आपको, जो रूट ऑफ टबाकू प्लांट को इफेक्ट करता है और ग्रेट रिडक्शन जील्ड में कर देता है। इन नोबल स्ट्रैटेजी इसके लिए अपनाई गई थी, डेट वाज द आरएनए इंटरफेरेंस रानी टेक्निक। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी चर्चा की थी ग्रुप में, और आपको क्लियर हुआ होगा, तो काफ़ी जिन्होंने नोट्स लिए थे उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न थी। अब यहाँ से फिर से रिवीजन कर लीजिए फ्रेंड, जो रानी टेक्निक है, जो इनहिबिशन टेक्निक है, टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म,
मेथड ऑफ द सेलुलर डिफेंस, ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म है अपने आप को बचाना। इस मेथड में क्या करते हैं, साइलेंसिंग हो जाती है मैसेंजर आरएनए की, क्योंकि आपको पता है जो मैसेंजर आरएनए है वो आगे प्रोटीन बनाएगा, तो इसमें मैसेंजर आरएनए को ही साइलेंस कर देंगे, फिर आगे वो सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। ड्यू टू द कम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल डैट वाइंड एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, तो इसको साइलेंस कर देगा, इससे हमने डबल स्टैंडर्ड आरएनए लेना है। द सोर्स ऑफ दिस कम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए जीनोम और मोबाइल जीन एलिमेंट, जिसको ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। तो ये जो जीन है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, या तो हम इसको वायरस से इसके अंदर डाल देंगे माइक्रोब के अंदर, या पैथोजन के जैसे नेमाटोड के अंदर, या हम ट्रांसफ्यूजन ऐड कर देंगे। डैट रेप्लिकेट बाय द आरएनए इंटरमीडिएट यूजिंग द एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, जो पीछे बात कर रहे थे हम वेक्टर की, पिछले चैप्टर में पढ़ा है। निमेटोड स्पेसिफिक जीन जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था होस्ट प्लांट में। द इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए वाज जस्ट दैट इट प्रोड्यूस्ड बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए, तो इससे सेंस आरएनए भी बन गया, एंटी सेंस भी बन गया इन द होस्ट। दिस टू आरएनए जो है ये कम्प्लीमेंट्री है एक ईच अदर के, एंड फॉर्म ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए दैट इनिशिएटेड आरएनए आई, जो इनहिबिशन करवा देता है, जो साइलेंस कर देता है स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए को, फिर वो आगे काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए आगे आप निमेटोड के मैसेंजर आरएनए को वो साइलेंस कर देगा। तो यह सीक्वेंस वाज जस्ट वाज डेट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग ए स्पेसिफिक ट्रांसफरिंग आरएनए, द ट्रांसजेनिक प्लांट जो है इनमें प्रोटेक्शन मिल गई थी पैरासाइट से। तो यहाँ आप इस एग्जांपल से क्लियर कर रहे हो, द होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रिगर करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ निमेटोड इन्फेस्टेशन, निमेटोड इसके अंदर ग्रो कर रहा है। रूट ऑफ ए टिपिकल कंट्रोल प्लांट, जो टिपिकल प्लांट है जो कंट्रोल हुआ है, बी में जो है ट्रांसजेनिक प्लांट है रूट्स 5 डे आफ्टर डेलिबरेट इन्फेक्शन ऑफ द निमेटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू द नोबल मैकेनिज्म, तो इसको मैकेनिज्म से प्रोटेक्ट कर लिया जे नॉर्मल प्लांट है, यहाँ जो मॉडिफाइड प्लांट है इसके अंदर वो पैथोजन ग्रो नहीं कर पाया। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाले जीन है वो हमने प्लांट के अंदर ऐड किए हैं जिसको वो अफेक्ट करता है, तो इससे हम ह्यूमन को भी बचा सकते हैं एस्कैरिस के इन्फेक्शन से। तो अभी उसके इंजेक्शंस भी हैं, काफ़ी रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, बट इसको प्लांट में एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है रानी टेक्निक को। तो नेक्स्ट है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर का क्लियर हो गया आपको, अब मेडिसिन में इसका क्या फ़ायदा है। देखिए जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी उसने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, जैसे ह्यूमन में काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है उसके इलाज के लिए और कई मेडिसन्स को इंक्रीज फॉर्म में बनाने के लिए, जैसे यहाँ इंसुलिन है जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन का क्या काम है बॉडी में, आपके वो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और पैनक्रियास के बीटा सेल्स क्रिएट करते हैं। बट आजकल डायबिटीज़ जो शुगर की प्रॉब्लम है, मधुमेह की बीमारियाँ काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, उससे काफ़ी लोग मर रहे हैं, तो उसका इंसुलिन की ऊपर सर्वाइव करना पड़ता है उन पेशेंट को। तो इसलिए इंसुलिन जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो मैनेजमेंट ऑफ द अडल्ट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ इज़ पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर इंटरवल, ये मैंने बता दिया। सो व्हाट वुड बी ए डायबिटिक पेशेंट इफ़ एनफ ह्यूमन इंसुलिन वाज नॉट अवेलेबल, अगर इंसुलिन की कमी आ जाए मार्केट में, बनना बंद हो जाए, तो डायबिटिक पेशेंट मर जाएंगे। So you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animals लेने पड़ेगा। So अब बात कर रहा है यहाँ पे, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमें अदर एनिमल से लेना पड़ेगा। So would the insulin isolated from other animal just be effective, क्या ये असर करेगा। That's created by human body itself and would not it लिक्ट एन इम्यून रिस्पॉन्स भी कर देगा, क्योंकि अदर एनिमल का इंसुलिन है वो एंटीजन का काम करेगा। इमेजिन अगर बैक्टीरिया अवेलेबल हो डैट कुड मेक इंसुलिन, बैक्टीरिया इंसुलिन बनाए, ये तो पॉसिबल नहीं है, बट जेनेटिक इंजीनियरिंग ने कर दिया है हमारे लिए। सो सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल, यू कैन ईजिली ग्रो लार्ज क्वान्टिटी ऑफ बैक्टीरिया और वहाँ से इंसुलिन भी ले सकते हो, और इससे हमने काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज लिया है। दिस इज़ द एडवांटेज फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी। चलिए आगे हम स्टडी करते हैं ये कैसे पॉसिबल हुआ है। इंसुलिन जो है डायबिटिक पेशेंट को देना पड़ता है, पहले हम इसको लेते थे
स्लोथर जो कैटल एंड पिग है जो बूचड़ खाने होते हैं वहाँ से एनिमल को मार देते थे, इसके लिए उनका पेनिक्रियाज निकाल के निचोड़ के इंसुलिन लेते थे। सो इससे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट में प्रॉब्लम, एलर्जी आ जाती थी, कोई रिएक्शन आ जाती थी जैसे एंटीजन की रिएक्शन हो जाती है। सो इंसुलिन जो कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, इसकी दो चेन होती हैं अल्फा चेन बीटा, यानी चेन ए चेन बी, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। इन एनिमल में जो ह्यूमन है, इंसुलिन इज सिंथेसाइज इन प्रो हॉर्मोन। तो इंसुलिन इनएक्टिव फॉर्म में आता है, उसको प्रो हॉर्मोन कहते हैं, जैसे प्रो एंजाइम होते हैं। जो प्रो हॉर्मोन है उसकी प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है ताकि वो फुली एक्टिव हो जाए, विच कंटेन एक्स्ट्रा सैचुरेटेड सी पेप्टाइड। इसका सी पेप्टाइड निकालना पड़ता है फिर ये एक्टिव हो जाता है। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर इंसुलिन एंड इट इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन इनटू इंसुलिन। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मेच्योर फॉर्म। तो ये यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम थी, इंसुलिन तो हम ले लेंगे बट उसको मेच्योर कैसे बनाएंगे, उसके जो इनएक्टिव जो सी पार्टिकल्स हैं कैसे निकालेंगे। तो वहाँ पे इली लिली ने 1883 में, अमेरिका की कंपनी है, उन्होंने बनाए थे दो डीएनए सीक्वेंसिंग फॉर ए एंड बी चेन, अलग अलग चेन बना दी थी, फिर वहाँ इकोलाई में ऐड करके, तो ये जो चेन है उसको बाद में कंबाइन कर दिया गया था डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी, सी पेप्टाइड बनेगा नहीं, सिर्फ ए एंड बी ही बनेगी, बाद में इसको जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो ये प्रो इंसुलिन है जो इनएक्टिव फॉर्म में, इस डाइग्राम में आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर ए पेप्टाइड इंसुलिन, बी पेप्टाइड, दोनों को जोड़ दिया, सी पेप्टाइड फ्री हो गया, फिर ऐसे मैच्योर होता है। उसके बाद इसका एक एडवांटेज आता है, डेट इज़ अ जीन थेरेपी। अब यहाँ पे जो जीन थेरेपी है, ह्यूमन में काफ़ी हेरिडिटरी डिजीज हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लिन फ्लैटर हो गया, या कैंसर वर्ग की बीमारियां होगी, इनको एम्ब्रियो लाइफ में डिटेक्ट कर सकते हैं, बस इसका इलाज नहीं है। बट इसको किसी मेडिसिन से ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें क्या करेंगे हम, जीन ऐड करके ही ठीक कर सकते हैं। तो बॉडी में जो गलत जीन है उसको ठीक करना, रिपेयर करना थ्रू एनी एजेंसी जो पर्टिकुलर डिवेल्प हुई है उससे हम ऐड करेंगे यूजफुल जीन, उसको कहते हैं जीन थेरेपी। तो इसका जो सक्सेसफुल ट्रायल हुआ था 1990 में, 4 साल की लड़की थी जिसको एडेनोसिन डीएमआईनेज एडीए डेफिशिएंसी थी, और इस बीमारी से क्या होता है बी सेल बॉडी में नहीं बनते, तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ लग जाती थी, तो फिर ये सक्सेसफुल हुआ था। तो इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो बोन मैरो में अंदर इसका इंजेक्शन लगाना पड़ता है जीन का, फिर ठीक हो जाते हैं, या तो इसको एंजाइम देना पड़ता है। सो बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस डैट दे कुड नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव, तो इससे कोई असर नहीं था। एज द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड द जीन थेरेपी, द लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट वर ग्रोन इन कल्चर, लिम्फोसाइट कल्चर कर दिए, ए फंक्शनल ए डी ए सी डी एन ए जो था रेट्रोवायरल वेक्टर, इसको इसमें ऐड कर दिया लिम्फोसाइट में, फिर इनको पेशेंट में द्वारा एडमिनिस्टर्ड कर दिया, क्योंकि जो लिम्फोसाइट है वो डिवाइड करते हैं। हो एवर इफ़ द जीन आइसोलेट फ्रॉम द बोन मैरो सेल प्रोड्यूसिंग ए डी ए इज इंट्रोड्यूस इन टू द सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, इट कुड बी परमानेंट क्योर। तो पहले उन्होंने देखा नॉर्मल लिम्फोसाइट लिए, फिर उसका इतना कारगर असर नहीं हुआ, फिर उन्होंने एम्ब्रियो लाइफ के लिए जो कि उसको काफ़ी हेल्प करेंगे, तो ऐसे काफ़ी सर्च के बाद ये थेरेपी काम हुई थी। तो बट ये जो जीन थेरेपी है इसका इतना रिलायबल रिजल्ट नहीं है, इसके काफ़ी इथिकल इश्यूज हैं, काफ़ी चैलेंजेस हैं, एलर्जिक रिएक्शन है, रिजेक्शन हो जाती है, टिश्यू टाइपिंग, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए ये इतनी कारगर साबित नहीं हुई आगे बट इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, कई बीमारियों का सिर्फ एक यही अल्टरनेटिव इलाज है इसका। तो आगे आता है मॉलिकुलर डायग्नोस, मॉलिकुलर लेवल पे हम जीन थेरेपी से डायग्नोसिस कर सकते हैं। सो अर्ली डायग्नोसिस अंडरस्टैंडिंग द पैथोफिजियोलॉजी यूजिंग द कन्वेंशनल मेथड, इसकी प्रॉब्लम आती है तो इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हम पीसीआर कर लेते हैं, अलाइजा कर लेते हैं, इससे हम उस जीन को इनहांस कर लेते हैं और पता चल जाता है कि इसके में वो बीमारी के जीन है या नहीं है, वो डायग्नोस इफेक्टिव बन गया है, कैंसर को डायग्नोस करना अर्ली स्टेज पे पॉसिबल हो गया है, पीसीआर को कंबाइन करके एचआईवी को डिटेक्ट कर सकते हैं पेशेंट में। इट हैज़ बीन यूज टू डिटेक्ट द म्यूटेशन इन जीन, कैंसर में म्यूटेशन होगी, कौन से जीन कैंसर इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, ये सारा हमने इसमें रिसर्च कर लिया। सो ए सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए और द आरएनए है,
ट्रिगर्ड विद रेडी एक्टिव मॉलिक्यूल, जो प्रोब कहते हैं इसको, इसको हाइब्रिडाइज कराते हैं कंप्लीमेंट डीएनए के साथ, फिर डिटेक्शन हो जाती है रेडियोग्राफी से, फिर वही इसी के साथ वाइंड होगा जिसके लिए इसको तैयार किया। यानी हमने कैंसर के जीन का जो रेडियोग्राफ बना लिया, यानी प्रोब तैयार कर लिया लैब में, फिर हम उसको पेशेंट के डीएनए से कंबाइन कराते हैं। अगर उसमें वो जीन है तो प्रोब बाइंड करेगी, नॉर्मल में बाइंड नहीं करेगी। अलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर काम करती है, तो किसी बीमारी में वो एंटीबॉडी बन जाती है, जो एचआईवी की एंटीबॉडी है वो अलाइजा से डिटेक्ट हो जाती है, कलर आ जाता है, ईजिली डिटेक्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था इसका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। उसके बाद आए हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। काफ़ी ऐसे एनिमल्स हैं जिसके जीन मॉडिफाइड कर दिए हैं और उसका एडवांटेज लिया है, इसको ट्रांसजेनिक कहते हैं। जैसे रैबिट है, पिग है, शीप है, काऊ है, फिश है, इसको किया गया नॉर्मल फिजियोलॉजिक एंड डेवलपमेंट। तो काफ़ी यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, रीज़न है, जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल है कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलो स्टडी द लो जीन रेगुलेटेड एंड हो दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डिवेलपमेंट। जैसे स्टडी ऑफ द कम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज द इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम द अदर स्पीसीज डैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन बाय द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी। सो नॉर्मल फिजियोलॉजी हम स्टडी कर सकते हैं और उस जीन का ह्यूमन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ट्रांसजेनिक से हमें पता चल जाता है। स्टडी ऑफ द डिजीज, मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल है उसको इसी फॉर्म में बनाया गया है ताकि वो बीमारी को डिटेक्ट कर सके। तो इसमें जो स्पेसिफिकली जो मॉडिफाइड किए गए हैं मॉडल है ह्यूमन डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए, इन जीव को तैयार किया गया है। टुडे ट्रांसजेनिक जो मॉडल है इनको मॉडल कहते हैं ऑर्गेनिज्म को जिसको डिटेक्शन में यूज़ करते हैं, और यहाँ कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जो बायो प्रोडक्ट हैं इससे बन जाते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल है यूजफुल इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी ट्रीटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए विच कोड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन में प्रोटीन है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट द एम्फिसीमा, सांस की बीमारी है। सिमिलर अटैम्प्ट मेड टू ट्रीटमेंट ऑफ द फिनाइल कीटोन्यूरिया सिस्टिक फाइब्रोसिस। 1997 में फर्स्ट टाइम ट्रांसजेनिक काऊ रोजी तैयार की थी, नाम याद कर लीजिए, पेपर में आता है रोजी, जो ह्यूमन रिच प्रोटीन जो 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोड्यूस करती थी मिल्क में। तो ये कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टा ग्लोबुलिन डैट वाज न्यूट्रिशनल ये बैलेंस प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन बेबी देन द नेचुरल काऊ मिल्क। तो नेचुरल काऊ मिल्क से इसका ज़्यादा इफेक्ट था तो इसको यूज़ किया गया था। वैक्सीन सेफ्टी, ट्रांसजेनिक जो माइस हैं आर बींग डिवेल्प फॉर ट्रांसजेनिक जो माइस है इसको डिवेल्प किया गया है फॉर वैक्सीन की सेफ्टी के लिए, पर्टिकुलर पहले इसके ऊपर ट्रायल किए जाते हैं। सो ट्रांसजेनिक माइस आर बींग यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन, सक्सेसफुल हो तो फिर इसकी रिलायबिलिटी चेक करके बैच में इसको बेचते हैं। मंकी के ऊपर भी टेस्ट होते हैं। केमिकल सेफ्टी ऑफ टेस्टिंग, दिस नोन एज द टॉक्सिटी सेफ्टिंग टेस्टिंग प्रोसीजर इज सेम डैट यूज द टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं, जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उसको इस जीन के साथ कैरी किया जाता है जो टॉक्सिक सेंसिटिव हो जाते हैं, एंड देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल, यानी नॉन ट्रांसजेनिक में ऐसे जीन नहीं होंगे जो टॉक्सिन के ऊपर सर्वाइव करेंगे या उसका अफेक्ट वो झेल पाएंगे। तो इससे हम उसका लेवल चेक कर लेते हैं। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग में जो एनिमल विल अलो थस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम, तो उसमें टॉक्सिसिटी इफेक्ट जो जल्दी दे देगा। उसके बाद आते हैं इथिकल इशू, इसमें काफ़ी इथिकल इशू अराइज होते हैं, बायोपायरेसी हम बात करेंगे आगे इसके ऊपर भी। सो मैन्यूपुलेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैनॉट गो एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। हम ऐसे तो साइंस ने तरक्की कर ली, बट हर एक एनिमल की अपनी डिग्निटी है, उसकी रॉयल्टी है, नेचर के साथ ये खिलवाड़ है, उसके काफ़ी इशू राइज होते हैं, तो इसको रेगुलेशन में रखा गया है। सम इथिकल यहाँ पे स्टैंडर्ड है इवेल्यूएट करना मोरलिटी के लिए ह्यूमन एक्टिवेल के डेट हेल्प एंड हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म, हार्म नहीं करना उसके जी निकाल के, उसका मिसयूज नहीं करना। गोइंग बियॉन्ड द मोर्टेलिटी ऑफ सच इशू द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी
अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस इन टू द इकोसिस्टम। तो इससे काफ़ी रिजल्ट भी आ जाते हैं, उलट रिजल्ट भी आते हैं अगर इसको हम मार्केट में लेके आएंगे तो। जैसे ही वो कॉमनली आपको मैं बात बता दूँ, बीटी कॉटन है उस पर बीटी ब्रिंजल, बीटी टमाटो, पोटैटो भी तैयार कर लिया। जो बीटी ब्रिंजल जो है उसका काफ़ी इफेक्ट देखा गया है उसको खाने से। जैसे वो बीटी टॉक्सिन है इंसेक्ट की गट को साड़ देता है, ह्यूमन में भी वो अल्सर प्रोड्यूस कर देता है, यानी अदर ह्यूमन अदर एनिमल को भी वो इफेक्ट करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ टारगेटेड को ही ख़त्म करेंगे। सो द इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेट की है, GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है, जो कि विच विल मेक डिसीजन इसके ऊपर, रिसर्च के ऊपर काम करना या इसकी वैरायटी को इंट्रोड्यूस करना। मार्केट में जो चीज़ें हम सेल करते हैं उसके ऊपर पर्टिकुलर टैग लगाना जरूरी है कि ये GMO है या नॉर्मल है। मॉडिफिकेशन यूजर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज जैसे फूड मेडिसिन है, हैज़ आल्सो क्रिएटेड द प्रॉब्लम विद पेशेंट ग्रांटेड फॉर सेम। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, पेशेंट जो है उस बीमारी से, उस जो मेडिसिन से ठीक होते भी हैं नहीं भी होते, उनकी बॉडी में कोई अदर तरह की नॉर्मलिटी भी कई बार पैदा हो जाती है। सो देर इज़ ग्रोइंग पब्लिक का जो एंगर है, गुस्सा बन रहा है काफ़ी कंपनियों में, ग्रांटेड पेशेंट फॉर प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी डैट मेक द यूज़ ऑफ जेनेटिक मटीरियल प्लांट एंड अदर बायोलॉजिकल सोर्सेज डैट हैव लॉन्ग आइडेंटिफाइड डिवेलप एंड यूज बाय फार्मर एंड इंडिजिनियस पीपल फॉर स्पेसिफिक रीजन और कंट्री। तो जैसे किसी जगह के ऑर्गेनिज्म है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना ह्यूमन, तो वो ट्रेडिशनली उसका यूज़ करते थे, जैसे नीम है तो इंडिया का ही वो है, बट उसका पेटेंट नहीं हो पाया तो वो चाइना ने अपने नाम पे करवा लिया। एजाइडिरेक्टिन जो केमिकल है या अदर अल्कोलाइड जो नीम से निकलते हैं, मलेरिया ठीक करने की प्रॉपर्टी है, इंसेक्टीसाइडल प्रॉपर्टी है, उन्होंने उसके जी निकाल के उसके वेरिएंट तैयार कर लिए। तो ये एक खिलवाड़ है, इसलिए लोगों में ये गुस्सा भी पैदा हो जाता है इसके लिए। जैसे राइस है एक इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन है, द प्रेजेंस ऑफ विच गोज़ बैक 1000 ईयर एशिया में एग्रीकल्चर हिस्ट्री में, देर इज़ एन एस्टिमेटेड 2 लाख वराइटी ऑफ राइस इंडिया में होती थी इसकी वराइटी। तो डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट वर्ल्ड में, बासमती राइस जो है यूनिक थे, अरोमा था इसका अलग, स्मेल थी, फ्लेवर था, 27 जो डॉक्यूमेंटेड वराइटी बासमती की हैं इंडिया में ग्रो की गई हैं। देर इज़ द रेफरेंस ऑफ द बासमती जो एंशियंट टेक्सिस में, फोकलोर में एंड पोइट्री में भी इसका जिक्र आता है, एज इट हैज़ बीन ग्रोन फॉर सेंचुरीज। बट 1997 में अमेरिकन कंपनी ने इसका पेटेंट बना लिया था बासमती के ऊपर, US पेटेंट, एंड कंपनी जो थी उसने इसका ट्रेडमार्क बना लिया था। दिस अलोड द कंपनी टू सेल न्यू वराइटी ऑफ द बासमती इन USA अब्रोड। न्यू वराइटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द इंडियन फार्मर वराइटी, तो वहाँ से आई थी। तो इंडियन जो बासमती है हैड एक्चुअली इससे बनी है, इंडियन बासमती वाज क्रॉस विद सेमी ड्वार्फ वराइटी एंड क्लेम्ड एन इन्वेंशन ए नोवेलिटी। सो द पेटेंट एक्सटेंड टू फंक्शनल इक्विवेलेंट इम्प्लिंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाई पेटेंट, तो इसको रोका जा सकता है। तो पेटेंट जो होता है उसी देश का, उसी व्यक्ति, उसी एरिया का रह जाता है, इससे उसकी डिग्निटी जो है, उसकी जो धरोहर है वो बची रहती है। तो सेवरल अटेम्प्ट्स हैज़ आल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूज प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बिसल मेडिसिन, जैसे टर्मरिक, नीम है, इसके ऊपर मैंने बात की है। इफ़ वी आर नॉट विलीजेंट वी डू नॉट इमीडिएटली काउंटर दीज पेशेंट एप्लीकेशन, पेटेंट को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अदर कंट्री है, इंडिविजुअल है, मे इन कैश ऑन आवर रिच लेगेसी एंड वी मे नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। तो हमें इसकी नॉलेज होनी जरूरी है, हमें इसका अपने हक में लड़ना आना चाहिए, इसका पता होना चाहिए जो हमारे इंडिया की है। तो बाकी देश में काफ़ी मसले हैं, बट हमारी जो संपदा है, धरोहर है, इसको बचाना जरूरी है। बायोपैरेसिस के लिए टर्म यूज़ की है, तो बायो सोर्स का जो यूज़ करना, मल्टीनेशनल कंपनी से इसका यूज़ कर रही है विदाउट किसी ऑथराइजेशन परमिशन से, इसको कहते हैं बायोपैरेसिस।
तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल नेशन आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन द बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज. इन कंट्रास्ट द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल ऑयल रिलेटेड टू बायर सोर्सेज. द ट्रेडिशनल ऑयल रिलेटेड टू बायर सोर्सेज कैन बी एक्सप्लोर्ड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन एंड कैन बी यूज टू सेव टाइम ऑफ एक्सपर्टेंजर ड्यूज इन कमर्शलाइजेशन. सो जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री है उसमें काफ़ी रिसोर्सेज होते हैं बट लोगों को उसकी नॉलेज नहीं होती. तो इसको बचाया जा सकता है अगर हम इसकी नॉलेज हो. तो देर हैव बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस, इनएडिक्वेट कंपनसेशन, मुआवजा नहीं मिलता, बेनिफिट शेयरिंग डेवलपिंग कंट्री. सो सम नेशंस आर डेवलपिंग लॉ टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द बायोसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज. तो कई ऐसे देश हैं जो डेवलपिंग हो रहे हैं या अंडर डेवलप हैं, उन्होंने रोक लगा दी अपने बायोसोर्स किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहे क्योंकि वो चलाकी से उसका सोर्स यूज़ कर रहे हैं जो डेवलप कंट्री हैं. सो इंडियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली क्लियर किया सेकेंड अमेंडमेंट इंडियन पेटेंट बिल में डेट टेक्स अस इशू टू कंसिडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म, एमरजेंसी प्रोविजन एंड रिसर्च एंड डेवलपिंग इनिशिएटिव. सो फ्रेंड ये था सारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में. उम्मीद करता हूँ आपको ये ईजिली लेसन पूरा क्लियरली समझ आ गया होगा. तो आई हैव ट्राइड बेस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक. और वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट करिएगा, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. और बाकी भी हम ऐसे यूज़फुल आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे और आपको काफ़ी हेल्प रहेगी इससे. चैनल के साथ प्रॉपरली बने रहिए, मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए. थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे.